रस्सी बंधा हुआ है, जगह टांग टांग के रखा है तो देखने के लिए। अब ये यहाँ से बोरस निकाल के दिखा रहे हैं तो देख लेते हैं। जस्ट रीगल के सामने ही है रीगल, ये वो रीगल है, रीगल के जस्ट सामने में ही है। बहुत घेरा है, घर का सारा काम उम्मीद मैनेजर रानी कर दी है। गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग है नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है, सॉरी फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज चुका है तो अभी गुड आफ्टरनून है। तो मनीषा घर का सारा काम सुबह ही करती थी, आज हम लोग लेट से उठे, बहुत लेट से, बोले 10 साढ़े 10 बजे उठे हैं, क्योंकि हम उठे थे पीयू के स्कूल के लिए रेडी करने के लिए 7:30 बजे। उस टाइम इतना तेज बारिश, पूरा मतलब ना ऐसा बारिश हो रहा था ना, लग रहा है कि आंधी तूफान हो आ रहा है, इतना तेज बारिश। तो हम सोचे स्कूल तो होगा नहीं, एबसेंट हो जाएगा ना, तो चलो सो ही जाते थोड़ा, हम सो गए पीयू को लेके। अब मनीषा भी सोई हुई थी, पता नहीं फिर वो कब उठ के पूरा घर का काम कंप्लीट कर दी थी। फिर हम 10 बजे वो लाइट जब चालू की रूम का, आ रहे जब वो लाइट चालू की 10 बजे रूम का, तब मेरा आँख खुला, तब चड़बड़ा के उठे, देख रहा 10 बज रहा है। तो फिर फटाफट ब्रश व्रश किए, फिर मैगी ला के रखा ही हुआ था, हम सोचे पास्ता बनाएंगे, बट नहीं हुआ, मैगी पहले से ला के, कौन मैगी लेके आया, जैसे पहले लेके आ गया था, उसको पता है जिसको मैगी पसंद है इसीलिए। लेकिन हम सोचे थे पास्ता बनाएंगे, रात में सोच के सोए थे कि सुबह नाश्ता है पास्ता बनाएंगे, लेकिन मैगी दिख गया तो मैगी बनाना पड़ा, मैगी बन गया हमारा नाश्ता। अभी हम लोग खा रहे हैं मैगी, और लंच अभी तक हुआ नहीं है, लंच बनाएंगे मैगी खाने के बाद, क्या बनेगा पता नहीं, जो भी बनेगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वो बाथरूम में है, वो चिल्ला रही है, पहले हम जाते हैं उसके पास, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो फाइनली हमारा नाश्ता वास्ता हो गया था, नाश्ता वास्ता करके हम सोचे खाना बना लेंगे, बट खाना नहीं बनाया है, हमको बाल धोना था, इसीलिए पहले बाल धो लिए, सर धो लिए अच्छी तरह से। मेरे सामने तो अपना शकल मत देखो, बहुत गुस्सा आ रहा है, जानते हैं हमको खाने का मन किया। जो बजे खाना नाश्ता हुआ, नाश्ता 12 बजे, 3 बजे रहा है, नहीं 3 बजे नाश्ता नहीं हुआ, 12 बजे नाश्ता हुआ है, अभी तक खाना नहीं बना फ्रेंड, पता है आपको। अरे कौन सा बोतल में चावल बना के रखे हैं, सब्जी नहीं बना, चावल और दाल बना के रखे, सब्जी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएंगे, मटन बनाएंगे सोचे हम, बोले मटन थोड़ा ला दीजिए पीयू, कितनी पतली, उसको थोड़ा चिकन मटन के लाएंगे थोड़ा बॉडी बनेगा उसका, नहीं ला के दिए, चिकन तो लाते ही रहता है, लेकिन अब चिकन भी घर में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, जब मेरे को जो चीज़ खाने का मन किया वो चीज़ मेरे को नहीं मिला, तो हम कुछ नहीं बनाएंगे घर में, जो बनेगा आलू सीजा दाल भात वही खाना होगा, और अपना जो फेवरेट चीज है वो वाला लेके आए हैं, झालमुड़ी बना के पूरा नींबू मिर्चा प्याज गार के खा रहे हैं, इतना सियाना है, दांत तो तोड़ देंगे, दांत तो जितना लंबा लंबा है ना। हाँ, जो भूख लग रहा है सुबह में सिर्फ थोड़ा सा मैगी खा के है, और अभी तक हम कुछ खाए नहीं है, मनीषा भी बेचारी सिर्फ मैगी खाती है, वो भी ना आए, हम लोग दोनों शैम्पू किए, वो वाला शैम्पू जो आप लोगों को दिखाया था ना प्याज वाला, मामा वो वाला शैम्पू हमने दोनों ही लगाया, जस्ट सीरम लगा के बैठे हुए हैं, मतलब ब्लॉग स्टार्ट किए। उसका बाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, देखिए घोड़ा का पूछ ही, अभी रुकी हम एक तेल ऑर्डर किए हैं, वो तेल आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, कौन आप लोग जानते ही, दिखाने से पता चल जाएगा आप लोगों को, तो वो वाला तेल मंगाया ऑर्डर किए, आएगा एक सप्ताह में आ जाएगा, बाहर से आता है ना कर्नाटक से, तो एक सप्ताह में आ जाएगा, और अभी जाए रेडी हो जाते हैं, चावल दाल तो बना है, सब्जी बनानी है, पीहू को खिला देंगे, दीदी के यहाँ बोलेंगे वहाँ पे खिला दो, और हम लोग गोलगप्पा गोलगप्पा खा के आज रहेंगे ऐसे ना मनीषा। बाहर जा रहे हैं अभी हम लोग, बाहर मतलब क्या जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हम लोग एक चीज़ देख के आए, 3-4 दिन से वो चीज़ देखे हुए हैं, लेकिन जा ही नहीं पा रहे देखने के लिए, आज फाइनली हम लोग अभी निकलेंगे, क्योंकि दोपहर में कितना 5-5 बजे तक ही वो भैया बैठते हैं वहाँ पे, क्योंकि फुटपाथ है ना, तो वहाँ पे 5 या 6 बजे तक ही बैठते हैं लास्ट, उसके बाद फिर रात में नहीं बैठते, अंधेरा हो जाता वो जगह, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी वेडी होके निकलेंगे, तो चलिए निकलते हैं उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं रेडी होके। तो फ्रेंड चलिए हम लोग रेडी हो गए, रेडी सेटिंग हो चुके हैं, हम जींस पहने हैं और मनीषा भी रेडी हो गई, ये कितनी प्यारी लगती है ना, शॉर्ट ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, अभी तो बेबी होने का वेट कर रही है, उसके बाद तो धमाका मचाएगी बोली। सिर्फ आप लोगों वेट कीजिए बेबी होने तक, कभी उसके बाद पूरा धमाका मचेगा, मनीषा पूरा अपना रोल में आएगी। चलो चलो लाइट ऑफ फैन बंद करो।
अच्छी लगती है। किचन को ऑफ कर देते हैं। हाँ चलिए निकलते हैं। चलिए दोनों पापा बैठे बैठे हैं। जींस पहना देखे ठीक है तुम्हें? ठीक है ना? चलिए निकलते हैं। घर से हम लोग निकल गए और जा रहे हैं। गाना गा रही है मैं। पियू पियू गाना गाइए तो गाइए। बहुत खूबसूरत लग रहा ना देखिए, बहुत सुंदर है। कितना जन बोल के गया दिखाइए दिखाइए। अभी खाने का टाइम होता ना। हाँ हाँ हाँ। कितना जन हम बोला पानी की तरह नहीं दिखाए। कल आइए कल दिखाए गए तो पानी बहुत महंगा हो जा रहा जी। कितना दाम बताइए? हम लोग ऐसे भाड़ा में लेके पहनते हैं। भाड़ा में देते हैं ऐसे ही रहता। भाड़ा में भी भाड़ा में जो हम लोग लेते हैं ना तो 1500-1500 रुपया भाड़ा लगता। नहीं नहीं हम लोग जहाँ से भाड़ा में लेते 100 रुपये एक दिन का। 500 रुपया बोलने से भी हम नहीं दे रहे किसी को। 500 रुपया गुजराती लोग कितना बोल के गया 500 दे गए एक दिन का तब भी नहीं दे रहे। नहीं हम लोग वहाँ देते हैं अलग एक दिन का 100 रुपये लेते हैं। कितना दाम बोला? 4000। कई दाम बोलिए तो देखे वो तो बोल रहे आप। बोले तो 2000। नहीं एक दाम सही बताए आपका ना मेरा 3000 ले लें। 3000 बहुत। कितना लीजिएगा? 300। नहीं एक ठो लेना। अभी बोल रहे 200 लेना। इतना महंगा बोल रहे हैं 200 क्या? 200 तो लेंगे सोचे थे वही सोच के आए थे लेकिन इतना महंगा बोल रहे हैं। एकदम बताए लीजिएगा तो 2500 करके दे देंगे। 200 लीजिएगा ठीक भी तो देखना चाहिए सब हाथ का काम। अभी गुजराती लोग अभी गरबा के लिए इधर भीड़ लगे पानी के चलते उठा रहे। कितना जन गुजराती शाम को बोले देखे पानी फिर चालू उसके चलते उठा दे रहे। बहुत घेरा है 6-7 मीटर का घेरा है। यही तो बोल रहे हैं। अच्छा ना
लहंगा तो देखिए बहुत पसंद आया, बट दाम सुन के ना हम लोग आ करने लगे, इतना महंगा। ओ माय गॉड, 4000 कहाँ जाएंगे अभी? कहाँ जाएगी रे? साक्षी क्या लेने जाएगी? झूठ मुठ के लेगी नहीं, जाके क्या करेगी? लेंगे ना, जो पसंद आया तो हम चप्पल लेने। अच्छा, ये चप्पल लेगी? चलो ज्यादा ना, 150 रुपये ले। आज इसको घूमने का मन कर रहा है, चलो घूमो। तो तेरा जीजा तुमको घुमाएंगे। आपका है जीजा, हम घूमने जाते क्या जीजा जी? बीच में कबाब का हड्डी सही बोली। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था लहंगा, लेकिन ना महंगा बहुत था। नहीं आता है फुल भेजते डांडिया खेलने तो आता है, बट उतना अच्छी तरह से नहीं आता है। आता है सभी नहीं है, बहुत सुंदर था लहंगा, लेकिन 2000 में दे देगा बोल रहा है। देखते एक तो ले लेंगे, अभी तो सांची जा रहे हैं, वहाँ से रिटर्न आने के टाइम में एक ले लेंगे लहंगा। दोनों पार्टनरशिप में 50-50 मिला के ले लेंगे। फिर अगले साल बेबी जब हो जाएगा उसको भी नचाएंगे, हम लोग भी नाचें डांडिया खेलेंगे। हाँ। तो चलिए अभी पहले मार्केट के लिए निकलते हैं, साक्षी जा रहे हैं, वो क्या क्या लेगी बोल रही है, उसके बाद फिर आप सुनते हैं आपसे। वैसे ब्लॉग में बने रहिए, और क्या क्या देखेंगे हम लोग भी आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। प्राइस क्या है सर? बड़ा लीजिएगा 450 पड़ेगा। बड़ा सा व्हाइट नेट जब है वो ना घर को अच्छा बना देगी। व्हाइट नेट है लोगे? हाँ, पूरा आदिवासी बन जाएगी। है रे कलर तो नहीं है? येलो ये आएगा, उसको छोटा आएगा, आराम से आएगा। हम लोग इलम से लंबी होगी, होगी तो उम्र कम है लेकिन इलम से लंबी होगी। पतली है पर